साल 1757। इतिहास की वो तारीख जिसने मीर जाफर को गद्दार और सिराजुद्दौला को देशभक्त बना दिया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? बंगाल सूबा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा और अब तक का सबसे अमीर सब डिविजन था और मुर्शिदाबाद इसकी कैपिटल थी। जैसा कि हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल ने अपनी बुक दी एनार्की में मेंशन किया है, मुर्शिदाबाद बंगाल के सबसे बड़े शहरों में से एक था। कुछ अनुमानों के अनुसार इसकी आबादी लंदन के करीब थी। 1740 से 1756 के बीच बंगाल पर शासन करने वाले नवाब अली वर्दी खान के टाइम पीरियड में बंगाल ने स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज का अनुभव किया। डेलरिम्पल लिखते हैं, 1720 के दशक से बंगाल के राजस्व में 40% की वृद्धि हुई थी और मुर्शिदाबाद में अकेले एक बाजार में सालाना 65,000 टन चावल का कारोबार होता था। इसके अलावा इस क्षेत्र के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जैसे चीनी, अफीम, इंडिगो के साथ साथ इसके 10 लाख बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र दुनिया भर में खपत किए जा रहे थे। 18th सेंचुरी में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड के राइट्स दिए गए, जिसे लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़ा चल रहा था। यह राइट बादशाह औरंगजेब ने 1690 में एक फरमान के जरिए दिया। इसके बदले में कंपनी को उन्हें 3,000 रुपए की एनुअल पेमेंट करनी होती थी। कंपनी के लिए बंगाल से होने वाला ट्रेड एशिया से ब्रिटिश इंपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 60% था। हालांकि औरंगजेब की डेथ के बाद और 1717 में अली वर्दी खान के बाद इसी साल में मुगल सम्राट फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक जारी करने की शक्ति दी। दरअसल उस समय फारूक सियार बीमार थे। तब कंपनी से जुड़े एक सर्जन विलियम हैमिल्टन ने उन्हें बीमारी से ठीक कर दिया और बदले में कंपनी को मिला दस्तक परमिट। दस्तक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पास। दस्तक एक ट्रेड परमिट था जो यूरोपीय व्यापारियों को अपने व्यक्तिगत व्यापार पर कस्टम्स और ट्रांसिट ड्यूटीज देने से बचाता था। दस्तक सिस्टम ने यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ कंपटीशन करते समय इंडियन ट्रेडर्स को नुकसान में डाल दिया। कंपनी के ऑफिशियल्स ने ट्रेड प्रिविलेजेस का भी दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के फाइनेंसेस को नुकसान हुआ। दस्तक का ये दुरुपयोग नवाब और कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रमुख मुद्दा था और इसीलिए उस समय मुगल फरमान की कड़ी आलोचना की जाने लगी। नवाब को लगा कि इस व्यवस्था से उनके राज्य का राजस्व छिन गया है और उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को ड्यूटी फ्री ट्रेड देने से इनकार कर दिया। इस आर्थिक संघर्ष में रंग भरने वाला एक और कारण वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन था, जो 1740 के दशक में यूरोप में छिड़ा और जिसके कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच नई दुश्मनी पैदा हुई, जो उस समय बंगाल की खाड़ी के किनारे व्यापार कर रहे थे। अली वर्दी खान ने इन दोनों शक्तियों को नियंत्रण में रखा था और उन्हें किसी भी तरह की खुली दुश्मनी से मना किया था। ब्रिटिश कंपनी को फ्रेंच अटैक से नवाब की प्रोटेक्शन मिलने पर संदेह था, इसलिए उन्होंने खान के आदेशों को ठुकरा कर कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी। 1756 में जब 23 वर्षीय मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो संघर्ष चरम पर पहुंच गया। अली वर्दी खान के शासन को इस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता था, लेकिन उनके पोते सिराजुद्दौला से मुर्शिदाबाद का लगभग पूरा दरबार नफरत करता था। डेलरिम्पल अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दौर के कई स्रोतों में, चाहे फिर वो फारसी, बंगाली, मुगल, फ्रेंच, डच या अंग्रेजी हो, सिराज के बारे में अच्छी बात नहीं कहता था। समकालीन दरबारी इतिहासकार और रिश्तेदार गुलाम हुसैन खान ने लिखा, सिराजुद्दौला का चरित्र अज्ञानता और व्यभिचार का मिश्रण था। राजकुमार के लापरवाह व्यवहार, उसकी कठोर भाषा और उसके कठोर हृदय के कारण उसके सरदारों और सेनापतियों में पहले से ही उसके प्रति नापसंदगी की भावना थी। सत्ता में आने के बाद सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद दरबार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों को अलग थलग कर दिया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बंगाल के महान बैंकर जगत सेठ भी थे। 1707 में मानिक चंद ने राजकुमार फर्रुख सियर को मुगल सम्राट बनने के लिए आर्थिक रूप से मदद की। इनाम में फर्रुख सियर ने परिवार के मुखिया मानिक चंद को जगत सेठ की उपाधि दी, जिसका अर्थ है दुनिया का बैंकर या व्यापारी।
जगत सेठ वही थे जिसने अपनी चालों के माध्यम से अलीवर्दी खान को सिंहासन पर बिठाया था। यह सर्वविदित था कि जो कोई भी बंगाल पर शासन करना चाहता था वह सेठों का पक्ष लेकर रूल करता था। सिराजुद्दौला ने अपने शासनकाल के दौरान ही उनके साथ संघर्ष करके ठीक इसके ऑपोजिट किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति राजा कैसे बना? दरअसल घसीटी बेगम, जो अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी बेटी और सिराजुद्दौला की चाची थी। घसीटी बेगम और उनके पति नवाजिश खान ने निसंतान होने के कारण सिराजुद्दौला के बड़े भाई इकराम उद्दौला को गोद लिया था, जो चेचक से न मरे होते तो सिंहासन के उत्तराधिकारी होते। दरबार में सिराजुद्दौला की स्टेटस को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित काफी लोगों को उम्मीद थी कि अली वर्दी खान अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। दुर्भाग्य से नवाजिश खान भी अपने दत्तक पुत्र की मृत्यु के तुरंत बाद शोक में मर गए। नतीजतन सिराजुद्दौला को उनकी चाची की इच्छा के विरुद्ध नवाब घोषित किया गया। अपने दादा के निधन के बाद सिराजुद्दौला ने सबसे पहले जो काम किया वह था बेगम के महल पर हमला करना, उनके घरेलू सैनिकों को मारना या निरस्त्र करना और उनकी सारी संपत्ति जब्त करना। शक्तिशाली पंजाबी खत्री बैंकर ओमीचंद और नादिया के राजा कृष्णचंद्र रे, जो खुद को बंगाल के एकमात्र सम्राट के रूप में पेश कर रहे थे, वो भी नए नवाब को नापसंद करते थे। शेखर बंदियोपाध्याय अपनी किताब फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में बताते हैं कि सिराज एक युवा नवाब था और ऐसा होने के कारण दरबार के भीतर पुराने अभिजात वर्ग उसे स्वीकार नहीं कर सके। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का खून का रिश्तेदार था और उसका सैन्य जनरल था, दरबार के अधिकारियों और रिश्तेदारों के एक बड़े समूह का हिस्सा था जो सिराज के प्रवेश से दुखी थे, और इस तरह मीर जाफर खुद नवाब बनने का सपना देखने लगा। मुर्शिदाबाद में इस उग्र आंतरिक राजनीति के बीच ब्रिटिश एक्सपेंशन का खतरा नवाब पर मंडरा रहा था। कलकत्ता में नए किले नवाब सिराजुद्दौला के लिए एक चुनौती थे। जब अंग्रेजों ने नवाब की चेतावनियों का पालन करने से इनकार कर दिया तो बाद में कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने पर हमला करके नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी ताकत दिखाई। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को जीतने के लिए 70,000 लोगों की एक सेना के साथ कलकत्ता की ओर कूच किया। उनके इस क्विक मूव ने अंग्रेजों को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। किले के अंदर घुसने के बाद सिराजुद्दौला की सेना ने अपनी नजर में आने वाली हर चीज को लूट लिया। अंग्रेजों की हार हुई और किले के अंदर सिराजुद्दौला की सेना द्वारा युद्धबंदियों को कैद करने की घटना को कुख्यात रूप से कलकत्ता के ब्लैक होल ट्रेजेडी के रूप में याद किया जाने लगा। ये कालकोठरी 14 फीट बाय 18 फीट की थी और इसमें केवल दो छोटी खिड़कियां थीं। कैदियों में ब्रिटिश सैनिक, भारतीय सिपाही और भारतीय नागरिक शामिल थे। कालकोठरी में दम घुटने वाली गर्मी, एक दूसरे को रौंदने, पानी के लिए लड़ने और दया की भीख मांगते हुए इस ट्रेजेडी में 43 से 123 के बीच लोगों की मौत हुई। डेलरिम्पल लिखते हैं, इस घटना ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों के बीच कई पीढ़ियों तक धार्मिक आक्रोश की लहर पैदा की और 150 साल बाद भी ब्रिटिश स्कूलों में इसे भारतीयों की अनिवार्य बर्बरता के प्रदर्शन के रूप में पढ़ाया जा रहा था, और यह इस बात का उदाहरण था कि ब्रिटिश शासन क्यों नेसेसरी और जस्टिफाइड था। एक साल के भीतर कंपनी ने एक युवा और महत्वाकांक्षी रॉबर्ट क्लाइव के सैन्य अधिकार के तहत जवाबी कार्रवाई की, जो घेरिया में मराठा किले पर कब्जा करने के बाद मद्रास से आया था। कंपनी नवाब के दरबार के अंदर असंतुष्ट गुट के बारे में भी जानती थी और उसने इस आंतरिक फूट का फायदा उठाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने मिलकर नवाब के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और युद्ध की तैयारी शुरू की।